ऑल राइट, सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग है, तो आज के ब्लॉग में हम लोग है खारघर में। खारघर में एक्चुअली कार की डिटेलिंग के लिए, एक्सटीरियर नहीं बट लाइट लगानी थी थोड़ी बहुत, इसलिए आए थे। तो ये मैंने अमेजोन से लाइट मंगवाई थी, इसका प्राइस आपको बता देता हूँ। बट ये हुड लाइट है बेसिकली, ये जाएगा कार के बोनेट पे जो लाइन लग रही है ना आजकल, मतलब टाटा सफारी में भी, नए टाटा सफारी में आ रही है तो वहाँ पे लगाएंगे। और एक है येलो लाइट, चार येलो लाइट लगते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी लगेगी। देखो भाई साहब काम कर रहे हैं, वो लाइट साफ रखा। ये देखो ये जो लाइट लग रही है ना, अच्छा ग्रिल निकालना पड़ेगा क्या इसके लिए? ये पूरा निकल नहीं निकालना पड़ेगा, ये लाइट लगेगी। ये लाइट मैं यहाँ पे लगाने का सोचा, यहाँ पे चार लाइट, गाड़ी सीधा कर दो। ये देखो ये लाइट कुछ इस तरह से लगेगी, यहाँ पे दिख रहा है चार लाइट। तो ये है नई विजन का, ये ऑलरेडी फिट कर दिया, मतलब फिट नहीं सिर्फ डाल दिया अंदर। ये कुछ इस तरह से लगेगा क्योंकि ये अपने जो मेश है ना नेक्सॉन के, उसमें अच्छे से फिट हो रही है, बस इसको ग्लू से चिपकाना है। बाकी देखो फिटिंग वटिंग सब बराबर है, यहाँ पे ज़रा भी गैप नहीं रहेगा। अच्छा इसके इधर भी हुक्स दिए है क्या? ये देखो अभी ये यहाँ से डाल तो दी है, इसका कनेक्शन ये सब वायरिंग है इसकी, डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाएगा। बट इसके यूट्यूब में मैंने देखा था लोग रिले या फिर वो स्विचेस विचेस लगा रहे हैं, फ्यूज़ लगा रहे हैं, वो तो कैसा रहता है? देखो फ्यूज़ का उसका कुछ भी नहीं है, हाँ अगर आपको वैसा करना वैसा भी आप कर सकते हो। तो जरूर मोस्टली लोग इसको डिम लाइट पे ही रखते हैं। हाँ कि डिम लाइट पे कैसा रहता है ना, आपके डिम बल्ब के साथ में वो भी येलो रहते हैं, ये भी तो कॉम्बिनेशन होता है। हाँ वही, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो इसका जो DRL चल रहा है उसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है। आपको अलग से चाहिए तो अलग से स्पेसिफिकेशन करके बटन करके वो भी आप कर अलग से बटन देना पड़ेगा। ठीक है, ODRL के साथ ही लगा देंगे। अच्छा मुझे लगा था पूरा ग्रिल निकलना पड़ेगा क्योंकि ये फुल गया ना इसकी वजह से। हाँ क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो सफारी में लगा रहे थे, तो सफारी का पूरा ग्रिल निकालना पड़ रहा था, तो ग्रिल सफारी का एक्सेल का निकालना पड़ जाएगा। ग्रिल मतलब निकल जाएगा तो नहीं, तो वही मतलब इसलिए मैंने बोला कि यहीं पे आके लगा देते क्योंकि मैं कुछ करने जाऊँगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो फिर वापस कनेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि लोग वो फ्यूज व्यूज लगा रहे थे ना, तो उसके लिए लोगों बोला कि रिले लगेगा तो यहाँ पे आके अटैच कर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट DRL में कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी कनेक्ट करके देखते हैं। और एक लाइट है जो जाएगी हुड पे, वो तो फिट हो जाएगी। आप तो एक्सपर्ट हो गए इसमें, अभी चार साल से यही करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ लाइटिंग या सिर्फ बाकी भी? बाकी सीट कवर, लैब सीट कवर भी बनता है यहाँ पे। ये देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, अभी लाइट यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा दिख रहा है, ये डायरेक्ट बैटरी को कनेक्ट करोगे? नहीं यहाँ पे कुछ खोलना पड़ता है ना, यहाँ पे कुछ है ना फ्यूज उसका, मतलब कनेक्ट कर कट करना पड़ेगा वायर, वायर क्या स्लिप करना, वो काट के अलग नहीं करते कि ये दिन में भी चलती है ना, तो ये जो DRL चालू है उसके साथ चलना चाहिए, और उसके साथ ये भी आना चाहिए जो अपना हुड लाइट है। अगर ये सब करा रहे हो ना तो रिले डालना पड़ेगा। क्या रिले डालना पड़ता है? रिले डाल दो ना, लोड नहीं लेता है, आपको उधर लेना पड़ेगा। कहाँ से है बताओ? ये लीजिए, वो क्लिप कर रहे कहाँ? ये देखो ये रिले लगा देंगे। अच्छा ये ट्रांसपेरेंट वाला अलग से मिलता है क्या? ये देखो इसी की बात कर रहा था कि अगर मुझे नहीं पता था ये रिले वेले लगेगा, पता देखा था मैंने बट लगा तो कहीं से ला नहीं सकता था, इसलिए बोला कि यहीं पे आके फिट कर देंगे। अभी भाई साहब ये दूसरी LED फिट करे जो बोर्ड पे लगेगी, ये यहाँ पे चिपकेगी या ऊपर चिपकेगी? गैप में बैठ जाएगा ना बराबर। अभी देखो ये चलेगा मस्त,
अरे ये डॉट डॉट ऐसे ही दिख रहे हैं, इसमें शायद और एक रहेगा। एक और आधे आपको ये दे दिया है आपके पास? मेरे पास नहीं, मंगा के लेना पड़ेगा क्योंकि डॉट डॉट दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा है वो, इधर नहीं लगेगा, चलेगा अभी के लिए। उसमें शायद ऑप्शन ही नहीं था वो बल्ब का। ये एक आता है 1200 रुपये में आता है, इसमें इंडिकेटर भी रहता है। हाँ लेफ्ट राइट वो चलता है। हाँ, वो लेके था एक नंबर होता है, अच्छा रहता है क्या वो? हाँ, इसमें इंडिकेटर भी रहेगा, फंक्शन भी चेंज करने के साथ वाइट लाइट भी रहेगा। अच्छा लाइट का ये चेंज भी होता है? हाँ, या फिर एकदम एकदम मतलब बेसिक, ये बेसिक वाला है। हाँ, तो चेंज होता है तो फिर मैं दूसरा लेके आता हूँ। चेंज नहीं, कितने के लिए आप? ये कुछ 550-600 का था। वो 1200 रुपये कुछ रहता है। ये अपने दुकान में नहीं मिलता क्या? वो सब ऑर्डर भी अभी आप ही चिपका देंगे, देखते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि ये LED जब चल रहा है तो उसके बल्ब दिख रहे हैं, वो दिखने नहीं चाहिए, कंटिन्यूस ऐसा लाइट दिखना चाहिए। बट ठीक है, अभी के लिए इसको चिपका देंगे। ये निकलेगा नहीं ना पानी वानी से, या आप ब्लू लगा रहे हो? अभी काम हो गया, अभी दोनों कनेक्शन देंगे रिले से, अपने बैटरी को कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये भी जलेगा, साथ में DRL जलेगा और ये अपना हुड लाइट जलेगा। इसको अलग से ग्लू लगा इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका शायद वो ग्लू कुछ काम का ही नहीं था, पीछे का निकल ही जाता था। तो एक बार मैं आपको वापस से बता दूँ, ये येलो लाइट मैंने अभी यहाँ से ली है, इसका कुछ 950-980 प्राइस है। और इसको अंदर डाल के अंदर से कनेक्ट करके उसका वायर, ये देखो इसका वायर ही यहाँ से निकल रहा है। अभी कुछ इस तरह से सेटअप दिखेगा अपना। येलो लाइट भी डाल दिया है मैंने नीचे, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना ये येलो बल्ब है, मैं आपको जला के दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ बल्ब चेंज किया है, वो भी कैसे कितने का किया है वो भी बताता हूँ आपको डिटेल में सब। बट ये दोनों साइड येलो बल्ब है, येलो वाइट दोनों है, आपको बस बटन पर क्लिक करके चेक करना है और फिर जलाना है। चल जाएगा ये हुड बंद होने के बाद, तो ये डॉट दिखेंगे नहीं तो अच्छा है, मतलब एक लाइन दिखेगी सिर्फ पतली सी वाइट कलर की, और ये अपने येलो भी चल जाएंगे उसके साथ साथ। इसमें वायर वगैरह कट नहीं हुआ है ना? इसमें वायर कट करना पड़ता है क्या? ये कट नहीं बोलते सर जी, इससे वारंटी कोई सीन नहीं रहता है। जैसे तो थोड़ा सा कट करके अंदर को तार रहता है ना, उस कुछ नहीं करते हम लोग, वो तार नहीं कटना चाहिए बस। उसको तार कटता है ना, पावर सप्लाई कम जाने लगता है। इसका वारंटी पे कुछ इफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। यही सारी चीज़ें मैं घर पे नहीं कर पाता था, तो अच्छा हुआ इधर ही आ गया। जो एक्सपर्ट है उसका काम उसको करने दो, अच्छे से होगा और ज़्यादा देर तक चलेगा। यूट्यूब पे देख के करोगे बट पता नहीं वो कितना चलेगा। तो सच है कि जैसे मैंने रिले और वो सब देखा ना, मैं बोला कि नहीं उधर ही जाके फिक्स करा देते हैं। एक अमेजोन से लाइट मंगवाई भी है, उसका भी कंपेरिजन करूँगा, उसको भी बताते हैं, फिर उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसे कुछ करते हैं देखते हैं। बट अभी काम हो गया अपना ऑलमोस्ट, अभी ये कनेक्शन हो जाएगा फिर अपना लाइट चल। ये सेम ग्लू जाएगा इसको, इसको स्क्रू के लिए जगह है एक्चुअली, बट स्क्रू नहीं करेंगे, स्क्रू करने के लिए जगह ही नहीं है, इसको ग्लू से ही चिपकाना पड़ेगा। निकलेगा नहीं ना बारिश वारिश में? नहीं नहीं, सही जगह पे फिट भी हो गया अपना। ये हनीकॉम जाली, हनीकॉम मेश जो है काम आ गया, क्योंकि इसका परफेक्ट मैच है, मतलब इधर उधर जरा भी जगह नहीं है। ये अपने फाइनल कार कुछ इस तरह से दिख रही है सारी लाइटिंग। नीचे की लाइटिंग आपको लगा के दिखा दो, बट अभी जो फिक्स किया है ना, ये हुड लाइट है एक्चुअली, अच्छे से फिट हो गई है। प्लस ये येलो लाइट भी अच्छा दिख ही रहा है, अच्छा लग रहा है अभी कार, मतलब ये सब बंद होने के बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं अभी दिख नहीं रहा है। ये पीछे व्हील कार एसेसरीज में लगाया, हारगर में आओगे ना तो यहाँ से पूरा वहाँ से स्टार्ट होता है, वो यहाँ तक सारे कार के एसेसरीज़ की दुकान है, तो आपको यहाँ पे जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। और भी सारी एसेसरीज़ मुझे लगानी है, वो आने के बाद देखते हैं। बट जहाँ से मैंने लगाया, ये देखो विक कार एसेसरीज़, अच्छा शॉप है। और उसके बाजू में ये टायर वायर का सब दुकान भी है, पूरी लाइन वहाँ से स्टार्ट होके
यहाँ तक है, तो आना यहाँ पे। और बाकी जो भी आपको जो भी वायरिंग रिलेटेड है ना, वो अगर सिंपल सी चीज़ है तो आप कर दो, बट ये रिले या फिर वायर कट करना है, लगाना है, तो आप मुझे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो ये काम में एक्सपर्ट है, जो बहुत सालों से कर रहे हैं ना, उनके पास आ जाओ। अभी ये जो बंदा लगा रहा था साहिल, 4 साल से ये काम कर रहा है, तो मैं बोला कि आप ही लगाओ, क्योंकि क्या होता है इधर एक वायर भी इधर उधर कट गया ना, तो फिर पूरे गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्पैक्ट होगा, आपको ये वारंटी भी चली जा सकती है। अभी जो हमने लगाया है, जो इंस्टॉलेशन किया है, उसका और वारंटी का कुछ लेना देना नहीं है, अपना वारंटी फिर भी अभी तक है, तो वो एक चीज़ है, वो अच्छी लगी मुझे चीज़। प्लस आपको जो भी सामान है, जो भी लाइट्स है, आप खुद देख के ले सकते हो। अमेज़न पे शायद उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, अभी वो मुझे DRL लगा के समझ गया, हुड लाइट जो लगा के समझ गया कि फ़ोटोज़ कुछ और दिखते हैं, एक्चुअल में प्रोडक्ट आता है वो कुछ और दिखता है। यहाँ पे आओगे, आपके हिसाब से लाइट पसंद थोड़ा महंगा रहेगा, बट आपके हिसाब से लाइट पसंद करो, लगा दो, आप खुश रहोगे, आपकी गाड़ी खुश रहेगी, गाड़ी अच्छी दिखेगी। ये देखो, ये गाड़ी का कुछ इस तरह से सेटअप किया है मैंने। हुड लाइट लगा दिया है LED, और ये ग्रिल लाइट्स, प्लस मैंने फॉग लाइट भी चेंज कर दिया। पहले येलो थे, मतलब जैसे हेडलाइट है ना उसके कलर के थे, अभी प्रॉपर वाइट है, और इसमें एक डार्क येलो भी आता है, वो भी दिखाता हूँ। दो कलर है इसमें, ये वाइट चालू है, इसको वापस दबाओगे तो लाइट बन जाएगी येलो। देखो क्या थ्रो है इसका, अब ये प्रॉपरली आपको येलो दिखेगा। अब ये फॉग और बारिश में काम आएगा, अभी जाते हो टेस्ट भी करेंगे। पहली बार लगा के, अभी पहली बार ही गाड़ी निकाला है मैंने बाहर, बट ये देखो सिर्फ अभी फॉग लाइट पे है, और ये इतना मतलब वहाँ तक जा रहा है उसका लाइट। कैसा लगा? अभी रात में काम आएगा, दिन में कुछ समझता नहीं है, बट ये दिन में चालू रहता है। दिन में ये लाइट और ये हुड लाइट दोनों चालू रहता है, बट ये सामने से मुझे ऑरेंज वाली लाइट ज़्यादा अच्छी लगी, गाड़ी को वो फील आ रहा है। अभी ऊपर भी लगा नहीं थी, बट बोला कि बहुत ही ज़्यादा जतरा हो जाएगी, तो अभी फ़िलहाल के लिए नीचे, ऊपर वाली मिलेगी तो लगा देंगे। तो सारे लाइट्स लगने के बाद मेरी गाड़ी कुछ इस तरह से दिख रही है, मतलब जो ग्रिल लाइट लगाई थी ना वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, बट जो फॉग लाइट लगाई थी वो तो ख़राब हो गई। मतलब जैसे मैं उसको टेस्ट राइड के लिए लेके गया, आधे रास्ते में बल्ब ख़राब हो गया, तो तुरंत मैंने बल्ब चेंज किया। एक्चुअली वो जो बल्ब लगाया था ना मैंने, उसका तो वारंटी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक्चुअली लगाते वक्त ही बोला था कि अगर ज़्यादा गड्ढे में गई या फिर ज़्यादा हीट हुई ना गाड़ी, तो फिर वो बल्ब शायद से ख़राब हो सकता है, और वही हुआ। गड्ढे थे बहुत, और गाड़ी बहुत चली थी, मतलब ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर चलने के बाद वो बल्ब बंद पड़ा, तो मैंने तुरंत उसको चेंज कर दिया। जो अपना स्टॉक बल्ब आता था वो लगाते, और मैंने देखा कि स्टॉक बल्ब का भी थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो ऐसे नहीं समझेगा, इनकेस अगर आप दूसरा कोई बल्ब डाल के कंपेयर करोगे ना तो समझेगा, क्योंकि अपना स्टॉक बल्ब ही अच्छा है। बट मुझे प्रॉपर येलो बल्ब चाहिए था, येलो लाइट चाहिए थी फॉग के लिए, बट ठीक है, ये भी उतनी येलो नहीं है, बट येलो है, मतलब प्रॉपर वो हल्दी कलर का जो येलो बोलते ना वो नहीं है, बट येलो ही है, तो उसमें काम चल गया। फॉग में बहुत अच्छे से काम हो रहा था, स्टॉक लाइट से भी। तो अपना फॉग लैंप स्टॉक है, बट ऊपर का जो ग्रिल है और फिर बोनेट का जो बोनेट लाइट जो लगाया ना मैंने, वो बहुत अच्छे से चल रहा। बोनेट लाइट भी मुझे इतना खास नहीं लगा जितना लगना चाहिए, क्योंकि वो सामने से दिखता नहीं है, ऊपर से देखोगे तो लाइट दिखता है, क्योंकि वो अंदर की तरफ लगाया, राइट। जो गाड़ी के साथ बोनेट लाइट आता ना स्टॉक, वो सामने से एक पट्टी दिखती है, मुझे कुछ वैसा एक्सपेक्टेशन था, बट वैसे नहीं दिख रहा। बट ग्रिल लाइट का काम एक नंबर हुआ है, ग्रिल लाइट बहुत अच्छे से दिख रहा है, और दूर से आप गाड़ी देखोगे ना कि आ रही है, तो आपको समझ में आएगा कि वो लाइट कितनी अच्छी दिखती है, और स्पेशली ये मॉनसून और फॉग में वो लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको थोड़ा भी कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो ये व्लॉग से, तो नीचे कमेंट कर देना और लाइक कर देना ये वीडियो को, और ऐसे वीडियो आगे बनाता रहूँगा। सो ऐसे व्लॉग बनाते रहेंगे और ऐसे राइड पे जाते रहेंगे, अभी आएगा बाइक राइड का व्लॉग, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक के लिए गुड बाय।